जनानी नूं चपेड़ां गालां कढ़दे दी इह वीडियो अमृतसर दे इक निजी होटल तों सामने आई है, जिथे एक पुलिस मुलाजम नूं कॉल आई कि उसकी घरवाली किसी बगाने बंदे नाल होटल विच रंग रलियां मना रही है। बस जिवें ही घरवाले ने होटल च रेड मारी तां मौके दी सारी वीडियो कैमरे विच कैद हो गई। एक बार तुसीं इस वीडियो ते नज़र मार लवो, फिर तुहानूं सारे मामले की हकीकत बारे दसदे हां। दरअसल इस दुखी जहे दिखण वाले मुंडे दा नाम हरिंदर सिंह है, जो पुलिस महकमे विच मुलाजम है। हरिंदर ने इल्जाम लगाए ने कि उसकी घरवाली उसनू पुलिस मुलाजम होण करके कई बार बदनाम कर चुकी है, अते फिर बच्ची होण तो बाद भी तलाक लैण दे चक्करां च उसने लखां रुपए ठक ले अते बाद विच तलाक लैण तो मुकर गई। इस तो बाद ओह पिंड दे किसे सरपंच नाल होटल च फड़ी गई। भाजी मेरा नाम हरिंदर सिंह आ, मैं पुलिस मुलाजम है जलंधर। ये मामला भाजी ये मैं मेरा दूजा 5-6 साल पहला विआह होया, मेरी बेटी ही 4 साल की। इन्हें मैनु एक पुलिस मुलाजम होण करके मैनु इन्ना के जलील किया, इन्ना के खराब किया मेरी वाइफ ने। तो पहला भी मेरे तो 1.5 साल केस कर छड़िया, ये आ करता जी, वो फिर ये वापस आ गई आ। हुण मेरा पंचायत दे विच तलाक होया ही, सारा कुछ इन्हें मका के उस तो बाद कोर्ट दे विच भी इन्हें 2 वारी जाके गवाहियां देतियां। तीजी गवाही तो ये जिहड़े मुंडे ने फड़ी गई आ, इन्हें इन्हूं कहा भी मैं ये विआया वरिया मुंडा आ, ये सरपंच है जी अकाली दल का, ये कंफर्ट इन होटल दे विच फड़ी गई है जी उहदे नाल मुंडे नाल। तो उत्थे ये मुंडा इन्हू गमराह करता ही, इन्हू कहिंदा ही कि मैं तेरा इदा करा दाँगा। मैं कभी इन्हू अफसरां दे अफसरां नूं फोन कराउंदा ही इहदे भी मैं तेरा इदा करा दूंगा। ये गमराह करन करके इन्हें मैनू फाइनल जदों स्टेटमेंट मेरी तलाक दी होनी ही उत्थे मुकर गई आ, तो मेरे को 5 लाख लै के मुकर गई। उस तो बाद मैं अफसरों को तुरया फिरदा हाँ कि सर मैंने इंसाफ दो, मैंने इंसाफ दो, मैंने किसी पास इंसाफ नहीं मिलया। तो उल्टा इन्हें सवेरे मैंने DSP साहब ने बटाले बुलाया, तो यह जाके उत्थे उन्होंने इन्हों भी सद्या ही, यह कहती भी मेरा प्यो बीमार है जी, यह प्यो बीमार ने मैंने किसी का फोन आया कि तेरी वाइफ जी इतने किसी मुंडे घूम रही है। उस तो बाद अं अमृतसर आए हैं कट्ठे हुए इतने, तो यह जी कंफर्ट इन होटल के जी रंगे हथी ये मुंडे जो सरपंच अकाली दल का वो फड़ी गई है। सोईयां कलां का रहने वाला जी जोगनप्रीत सिंह विआया। मैं इंसाफ की मांग करता, मेरा इतने परचा होना चाहिए आ। मैनू इन्ने चिर इन्हें जलील किया आ, मुलाजम होने करके इन्ना खराब किया, कोई गल नहीं करता। हुण थाने दे विच आ, दोवें जणे दोवें हवालात विच आ, मेरा इंसाफ होना चाहिए है। दूसरे पासे पुलिस अधिकारी नूं पुछे सवालों के जवाब तुसीं खुद ही सुन लवो कि जनाब किस लहजे नाल ते किवें तोल मोल के जवाब दे रहे ने। ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਫੜੀ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੌਣ? लड़का अपने पुलिस विच नौकरी करता हूँ। तक इस व्यवस्था में सर बढ़िया गया क्या है, जैसे कि पुलिस जाके उते लेके आई हो? वो करांगे, वेरीफाई करांगे जिस मौके में मैंने ही गया, जिधर भी गया है उस दिनों पता। मकरमा सर केड़ा बंदा जी? मकरमा जी लेडीज वालों को कंप्लेन आती है कि मेरे नाल कोई तरह हुई है, जबरदस्ती हुई है, तो फिर उस हिसाब नाल आपां कार्रवाई करांगे। सर पति का कहना है कि मिला जा कराया गया लेडीज,
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹੂਗੀ ਜੀ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ ਰੀਡਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਏ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਆਪਸ ਨਾ ਹੋਏ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਜੇ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਏ ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ